कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पीएम किसान के लिए आवेदन किया है और उसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि आपका पीएम किसान रिजेक्ट हुआ है या फिर सबमिट हुआ है, तो इसके लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आज इस वीडियो में बताऊँगा कम्प्लीट डिटेल्स में। सिर्फ आधार नंबर डालकर आप अपनी स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक ब्राउज़र का ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख के सर्च करना है। सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके सामने एक स्टार इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को इंटर कर देना है। जिसका अप्लाई किया है उसका आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है और नीचे कैप्चा कोड को फिलअप करके यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लोडिंग लगा और आपका डिटेल्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आपका पीएम किसान नाम यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टेटस देख पाएंगे आप। अगर यहाँ पर पेंडिंग में है तो यहाँ पर आप पेंडिंग पर देख पाएंगे। अगर रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर रिजेक्ट देख पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने पीएम किसान अप्लाई करने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।